एसोसिएटेड कोलॉइड्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मिसेल्स। इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये बीकर में मैंने वाटर लिया हुआ है और ये कप में हमारे पास ऑयल है, राइट। तो मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, राइट। अब ये बात क्वाइट कॉमन है कि जो ऑयल है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल से है। साथ ही जो ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होने के कारण जो ऑयल है वो इस वाटर लेवल के ऊपर फ्लोट करता है, राइट। तो इसको हम साइड व्यू से देख सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ देखते हैं कि इस ऑयल का लेवल जो है इस वाटर से ऊपर है, राइट। अब इसको अगर मिक्स करने के लिए स्पून का यूज़ करते हैं, राइट, तो इसको हम पहले विग्रेस इसको चेक करते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ट्राई टू मिक्स दम, और इसको फ्री कर देते हैं। और आप थोड़ी ही देर में देखते हैं कि ये जो है दोबारा से उसी तरीके से सेटल अप हो जाएगा, राइट, और वाटर जो है नीचे रह जाएगा। ये नहीं कि मैं इनको मिक्स नहीं कर सकता। अब मैं इसमें एक दूसरी एग्जांपल, दूसरा सब्सटेंस डाल रहा हूँ जो कि है सोप मेरे पास, राइट। तो मैंने इसके अंदर अभी ऐड किया है सोप, ये देखिए। तो अब आपको यहाँ पर सोप दिख रहा है कि मैंने सोप ऐड किया जो कि नीचे सेटल डाउन है, राइट। और इसे मैं दोबारा से शेक करता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या इस वक्त ये मिक्सर होता है या नहीं होता है मिक्सअप, राइट। तो आपने देखा कि इस बार ये थोड़ा सा जल्दी मिक्सअप हो चुका है और ये स्टेबल भी नज़र आ रहा है। राइट, सो इस तरह का जो मॉलिक्यूल था, यानी कि जो ये हमारे पास जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स ने जिन्होंने कि इन दोनों को बाइंड करने का काम किया है, मींस ऑयल को और वाटर को, इस तरह के पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं सर्फ एक्टेंट का। सो ये जो सोप है ये एक तरह का सर्फ एक्टेंट है, राइट, जिसको के नाम देते हैं सर्फेक्ट एक्टिव एजेंट्स, राइट। मीन्स इन शॉर्ट इट इज़ सर्फ एक्टेंट, जो कि एक बिगर मॉलिक्यूल से बनता है, राइट। जैसे कि आपके पास ये ग्रुप दिख रहा है एक बिगर मॉलिक्यूल का। इस तरह के मॉलिक्यूल में 10 से लेकर 20 कार्बन चेन्स हो सकती हैं, जैसे कि सोडियम स्टीयरेट। और आप देखेंगे कि इसके दो एंड्स हैं जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक पोलर एंड है, और दूसरा ये नॉन पोलर एंड। वाटर में जाने के बाद इनके जो दोनों एंड्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, वो इस तरीके से कि एक पोलर एंड पोलर की तरफ ही रहेगा, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर के साइड पे। तो आपको यहाँ पे ये रैंडमाइजेशन आपको नज़र आ रहा है, और आप देखते हैं कि जितने भी पोलर एंड्स हैं जो कि ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो सभी जो वाटर के इन साइड जाले जाते हैं, और इनके जो नॉन पोलर एंड्स हैं वो रिपेल आउट रहते हैं आउटसाइड, राइट। तो इसके कारण क्या है कि वो एक इस तरीके से गुच्छा सा बनाना शुरू कर देते हैं वाटर के इन साइड रहते हुए, जिसके बाद ये एक स्फेरिकल बॉल जैसी शेप ले लेता है, और इसे हम एक नाम देते हैं मिसल का, राइट। तो ये चीज़ कहलाती है मिसल्स। लेकिन इस मिसल्स को बनने के लिए एक स्पेशल कंसंट्रेशन चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, राइट। तो आप देखें कि यहाँ पे इस पूरे ग्रुप में, इस पूरे कार्बन चेन के एंड पर यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक पार्ट है जो कि ग्रीन से शो हो रहा है, और यही पार्ट जो है एक्चुअल में पोलर एंड बन जाता है, राइट। दूसरा पार्ट जो नॉन पोलर है वो ऑयल के साथ अटैच रहता है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मेरे पास कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है जिसको कि लोग सराउंड कर लेते हैं। इसी तरीके से जब ये सराउंड हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो नॉन पोलर एंड है वो ऑयल के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, और बाद में जो पोलर एंड्स हैं वो आउटसाइड चले जाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा अभी कि एक मिसल बनने के लिए इन पार्टिकल्स का क्लस्टरिंग होना, ग्रुपिंग होना ज़रूरी होता है, तो उसको ग्रुपिंग होने के लिए एक हमें खास कंसंट्रेशन चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। हमें कैसे पता चलता है वो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है? बेसिकली इस कंसंट्रेशन के अप्रोच करते ही ये कोलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, मींस कि इसका जो बिगर जो लम्ब्स है वो इतने बिगर हो जाते हैं कि वो कोलाइड बन जाते हैं,
और कोलाइड बनने की जो सबसे ख़ास इसमें जो पहचान है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे कि हम बोलते हैं टाइंडल इफेक्ट। तो टाइंडल इफेक्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले अभी आप ये समझ सकते हैं कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन है जहाँ के बाद ये लाइट की स्कैटरिंग शुरू कर देते हैं, राइट। सो मैं आप लिख दूंगा कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और यहाँ पर इसकी खास कंसंट्रेशन दे रखा है ये 10^-4 to -3 मोल्स पर लीटर है, मीनिंग कि 0.1 to 1 mmol पर लीटर। ओके, तो एक ये जो क्लस्टर बनता है, स्फेरिकल क्लस्टर बनता है, इसके अंदर हमारे पास 20 से लेकर 100 तक के मॉलिक्यूल्स का ये ग्रुपिंग बन जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं मिसल। सो ये मिसल की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है हमें, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पोलर एंड शो किया हुआ है यहाँ पर, इस एंड से ये पोलर एंड है जो हमारे एनिमेशन में ग्रीन था, और बाकी ये जो इसके पीछे की टेल है, राइट, तो इसमें 10 से लेकर 20 कार्बन तक हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है सोडियम स्टीरेट की, जो कि सोप्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है, राइट। कॉमनली सोप्स में सोडियम स्टीरेट होता है। तो खैर, ये जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है जिसको कि हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, राइट, तो ये पार्ट कहलाता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो दूसरा बिगर पार्ट है इसको हम बोलते हैं फोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक। तो हमारे पास ये कम्प्लीटली 18 कार्बन्स की चेन है, जिसे कि नाम दिया गया सोडियम स्टेरेट का, राइट। सो ये सोप्स का मेन इंग्रेडिएंट होता है। सो ये आपके पास है हाइड्रोफिलिक, एंड दिस टेल इज नोन एज हाइड्रोफोबिक टेल। यहाँ पर इस बुक में शो किया गया है कि किस तरीके से स्टेरेट आयंस थे, जिसको कि अभी हमने एनिमेशन में देखा था कि जो इसके पोलर एंड्स थे वो वाटर के इनसाइड चले जाते हैं, और इसके जो नॉन पोलर एंड्स हैं वाटर के आउटसाइड चले जाते हैं। लेकिन जिस सिचुएशन में आपके पास एक ऑयल ड्रॉप होगा, तो ऑयल ड्रॉप को हमेशा ही नॉन पोलर एंड्स ट्रैप करेंगे। अगर आप इससे समझते हैं कि ऑयल ड्रॉप है तो नॉन पोलर एंड्स इसको ट्रैप कर लेते हैं, और ये जो पोलर एंड्स हैं वो वाटर के साथ में अटैच रहते हैं। यहाँ लॉजिक ये भी है कि इनके आप देखेंगे कि इन पोलर एंड्स में रिपल्शन होगी, बिकॉज दे आर एनायनिक पार्ट्स एंड दे हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अराउंड दीज मॉलिक्यूलर एंड्स दीज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल जस्ट ट्राई टू रिपेल देम अपार्ट। अब अगर बात करें क्लींजिंग एक्शन का, कि सोप किस तरीके से क्लीन करता है ग्रीस को या ऑयल को, तो उसका बहुत ही सिंपल सा पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर आपके पास ये ब्लैक पार्ट दे रखा है, लाइन जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द क्लोथ, और आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट बना रखा है ये एक ऑयल रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो आई कैन राइट है कि ये एक ऑयल रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि इस ऑयल के साथ में यहाँ पर वो सोप के पार्टिकल जो वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, राइट। और नोटिस करने वाला पार्ट ये है कि जो इसका नॉन पोलर एंड है वो ऑयल के साथ कनेक्टेड है, ना कि पोलर एंड्स। तो इस तरीके से इनकी ग्रुपिंग हो जाती है, और ये जो है इसको क्लीन करने का काम ऐसे करते हैं, जैसे कि ये मिसल बन गया तो ये मिसल्स हो गए, राइट। सो इसे ही हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो यहाँ पर एसोसिएशन हुआ पड़ा है, आप देखें कि ये बहुत सारे सोडियम स्टीरेट के पार्टिकल्स हैं और ये ऑयल पार्टिकल है, तो ये सभी लोग एसोसिएट हो चुके हैं, और इसे हम बोलेंगे कि एक मिसल बन चुका है। इसमें ये बात नोटिस करने वाली है कि अगर आपके पास इस केस में अगर आपने डाइल्यूट कर दिया, मींस फर्दर वाटर ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली जो सोप के पार्टिकल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, और फिर इस तरह का मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। सो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ज़रूरी है सोप्स के मिसल्स में कन्वर्ट होने के लिए, इसे ही हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, CMC। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसल फॉर्मेशन एंड CMCs। सपोज कीजिए कि मेरे पास स्टार्च है, राइट, ये राइस स्टार्च है, राइट, और अगर मैं आपके पास सिंपली एक क्वेश्चन रखता हूँ कि हम इस स्टार्च को क्या वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप स्टार्च लीजिए और पानी में डिसॉल्व करके देख लीजिए,
राइट। स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल है, कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है, लेकिन फिर भी इसके ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं कि स्टार्च कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट। तो मैं ज़रा इसके लिए ये वर्ड लिख दूँ डिजॉल्व्ड, कि जो स्टार्च है वो वाटर में डिजॉल्व कभी नहीं होता है, राइट। तो इसके लिए एक नया शब्द है आपके पास, वो है जेलेटिनाइजेशन। जेलेटिन मतलब जेलेटिन से बना जेलेटिन, जेलेटिनाइजेशन, राइट। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टार्च है, बेसिकली स्टार्च एक बिगर मॉलिक्यूल है, राइट। और ये जो बिगर मॉलिक्यूल है स्टार्च, ये बिगर मॉलिक्यूल इतना बिग है कि ये पॉलीमेरिक शेप हो जाता है। ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोमेरिक पार्टिकल्स स्टार्च में अटैच होते हैं, तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। अगर आप वाटर में इस तरीके से सिचुएशन में डिजॉल्व कर भी लेते हैं, तो आप इसको कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये बहुत ही जल्द नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो कई जगह पर इसके एक्सप्लेनेशन इस तरह से मिलती है कि आप स्टार्च को वाटर के साथ बॉयल करने तक रखें और उसके बाद फिर इसको फिल्टर आउट कर लें, तो इस तरीके से आप जो है स्टार्च को वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं। पर फिर मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर जाते हैं और फिर वो स्वेल हो जाते हैं, मीन्स उसको हम बोलते हैं वो जेलेटिनाइज हो चुके हैं। और इस तरीके की सिचुएशन को हम अक्सर बोलते हैं कि वो डिसॉल्व हो गया, बट साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ तो स्टार्च इज़ बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। सिमिलरली जो सेलुलोज है वो तो इनसॉल्युबल है ही, तो यहाँ पर आपके पास एक नया शब्द है कि स्टार्च वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो अगर मैं स्टार्च और वाटर को मिक्स करता हूँ तो मेरे पास उसके लिए जो सही शब्द है वो ये है कि स्टार्च इन वाटर इज़ बेसिकली ए कोलाइड एंड नॉट ए सॉल्यूशन, राइट, इट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन रख देता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये सल्फर मॉलिक्यूल है, तो क्या आप सल्फर को वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं, एंड द अगेन द आंसर इज़ नो, राइट। सो सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगर आप सल्फर को वाटर में डिजॉल्व कर लें और इसको सोचें कि ये हीट अप करने पे या बॉयल होने पे ऐसा हो जाएगा, तो बेसिकली वी विल बी रॉन्ग, राइट। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर ये डिजॉल्व नहीं हुए तो फिर हम इसके लिए क्या शब्द रखेंगे, राइट। तो हमारे पास जो इसका सही वर्ड है वो क्या है कि ये बन गए कोलाइड्स, राइट। तो कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस केवल साइज का है, बिकॉज स्टार्च इज अगेन ए पॉलीमर, सल्फर इज ऑल्सो बेसिकली S8 अटोमिक मॉलिक्यूल, राइट। सो ये ऑक्टा अटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से जो ये बिगर पार्टिकल्स हैं इनके कारण हम इन्हें नाम दे रहे हैं कि कोलाइड हुए और वाटर में इनसॉल्युबल हुए। तो अब अगर मैं वाटर के अंदर सल्फर को मिक्सअप कर देता हूँ तो मैं उसके लिए एक वर्ड यूज़ करूँगा, और वो वर्ड क्या होगा कि वो डिस्पर्स्ड हैं, डिस्पर्स्ड, राइट, नॉट डिजॉल्व्ड। तो कैसे करते हैं, राइट। तो मैं अभी आपके सामने इस एक्सपेरिमेंट को जस्ट अभी करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने वाटर ले लिया है इस जार में, और ये है मेरे पास सल्फर पाउडर, और मैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर दूंगा यहाँ से, राइट। सो होपफुली आपको स्पून में विजिबल होगा, राइट। और मैंने इसे ऐड कर दिया। अब अगर हम इसे शेकअप कर दें तो आप देखेंगे कि इसको मैं शेक कर भी दूंगा, तो डिजॉल्व नहीं होगा। अभी तो मैं इसको शेक किया, लेकिन अगर आप इसे सोचते हैं कि आप वाटर को बॉयल भी कर देंगे तब भी आपके पास ये चीज़ नहीं आएगी। इनफैक्ट आपके पास ये स्टिल पाउडरी फॉर्म में आपको मिलेगा, राइट। तो एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल है, स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल है। तो अब मैं सल्फर को अगर वाटर के अंदर मिक्स करूँगा तो मेरे पास जो सही शब्द होगा वो है डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब ये हो गया कि मैं इस पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बस उसको अंदर बिखेर दे रहा हूँ। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका जो साइज़ है वो साइज़ मॉलिकुलर साइज़ होना चाहिए, राइट। तो मॉलिकुलर साइज़ सल्फर का S8 होगा। तो अब देखिए उसका तरीका क्या है। तरीका बड़ा ही सिंपल है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। तो इसमें आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं कि इसकी प्रिपरेशन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो इसकी फर्स्ट रिएक्शन है, राइट,
फर्स्ट रिएक्शन में आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड है विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है विच इज़ ए गैस, राइट। तो आपने इन दोनों को ही आपस में जस्ट रिएक्ट करना है। जैसे ही आप देखेंगे कि रिएक्शन हो गया, तो आप देखेंगे कि रिएक्शन में आर्सेनिक सल्फाइड बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ वाटर भी जनरेट हो गया, राइट, जो कि इसी रिएक्शन से है। तो बेसिकली आर्सेनिक सल्फाइड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट नाउ इट इज़ डिस्पर्स्ड, और इसलिए यहाँ पर इसके लिए जो वर्ड है वो है कोलाइड या फिर सोल। सिमिलरली अगर आपको सल्फर के लिए देखना, तो आप देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, बट जब आप इनको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सल्फर एटॉमिक स्टेट में आ जाएगा और वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन होगा तो एक एक मॉलिक्यूल एक एक सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा। तो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिएक्शन होगा और एटम बाय एटम इसमें बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो एटम जो हैं इस पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ना कि डिसॉल्व रहेंगे, बिकॉज सल्फर और वाटर की इंट्रैक्शन तो है ही नहीं। इसी तरीके से अब देखिए गोल्ड है, अब मैं नहीं समझता कि कोई सोच सकता है गोल्ड भी वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, तो वाटर में गोल्ड सॉल्युबल है ही नहीं। इनफैक्ट गोल्ड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, किसी भी लिक्विड में नहीं डिसॉल्व कर सकते, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल्ड का एक क्लोराइड लिया गया है, गोल्ड सॉल्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड है और वाटर है, और इन तीनों की रिएक्शन हुई है जिसमें कि गोल्ड जो है रिड्यूस हो गया है एटॉमिक स्टेट में, राइट। और ये इसी सिचुएशन में ये वाटर के ही अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एटॉमिक स्केल पे। बाकी आपके पास ये जो दो एसिड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आप रिमूव कर देंगे। सिमिलरली फेरिक क्लोराइड, अब फेरिक क्लोराइड देखिए वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर से फेरिक क्लोराइड रिएक्ट कर जाता है, और इस रिएक्शन को हम सिंपली बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन जस्ट ब्रेक डाउन द सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बना, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम रिमूव करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ में यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सोल। अब आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास लेबोरेटरी में अगर आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है और आप इस फेरिक हाइड्रोक्साइड को सिंपली वाटर में ऐड कर दें, शेक कर लीजिए, इसको हीट कर लीजिए, आप कुछ मर्जी इसको कर लीजिए, थोड़े टाइम के लिए आपके पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बना देगा, राइट। लेकिन उसके कुछ समय रखने के बाद, एक घंटे दो घंटे बाद, आप देखेंगे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, सेटल डाउन, राइट, जिससे ही पता लगता है कि ये बेसिकली सब्सटेंस जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और इसलिए हम इसके लिए हमेशा यूज़ करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड, हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड। वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड? बिकॉज आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन, राइट। तो ये वो मेथड है जो कि हम लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं, और हम एक सब्सटेंस को मॉलिक्यूलर स्केल पर किसी दूसरे मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम कोलाइड बना सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ और भी मेथड हैं जो कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एक है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। जॉर्ज ब्रेडिक ने 1898 में मेटैलिक का कोलाइड बनाना बताया था और इसका पेपर पब्लिश किया गया था। इसके अलावा जॉर्ज ब्रेडिक ने ज्विटर आयन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कि एक सिंगल मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एंड प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ये इनकी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसमें कि हम मेटल्स का कोलाइड बना सकते थे, लेकिन ये केमिकल मेथड से नहीं बनता था, राइट। तो इस मेथड में हमने जो मेटल्स लेने हैं वो हैं सिल्वर, प्लेटिनम या गोल्ड। ये वो मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, जिन्हें हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से एक लार्जर टब लेना है और एक उसके अंदर एक स्मॉल टब लेना है, राइट। और इन दोनों ही टब्स के बीच की जो स्पेस है, इसे आपने बहुत ही कोल्ड वाटर या आइस क्यूब से फिल कर देना है, राइट। इंटरनली आपको यहाँ पर एक गोल्ड का या प्लेटिनम का, जिस भी मेटल का आपने बनाना है कोलाइड, वो आपने रखना है, और आपको दो यहाँ पर कंडक्टिंग रॉड्स लेने हैं जिसे आप हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब इन अपोजिट कंडक्टर्स को जब हम टच करते हैं अपोजिटली चार्ज्ड को, तो यहाँ पर एक बहुत ही हाई एनर्जी जो है
वो बन जाती है, जिसके कारण जो एटम्स हैं उनकी एटोमाइजेशन एनर्जी अप्रोच कर जाती है और वो एटम्स जो हैं वो जो मेटल्स हैं वो एटोमाइज्ड हो जाते हैं, राइट। लेकिन एटोमाइज्ड होने के साथ ही आपने देखा कि हाँ जो स्काई ब्लू आपको ये दे रखा है ये मीडियम है, राइट, जैसे वाटर, तो ये एटोमाइज्ड हो करके कहीं जाते नहीं है बिकॉज इस हाई टेम्परेचर को कूल करने के लिए हमने आइस रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इस तरीके से जो मेटल्स हैं जो वेपराइज हुए हैं जो एटोमाइज्ड हुए हैं वो इसी के अंदर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं। इस तरीके से हम मेटल्स का कोलाइड बनाते हैं। पर ये ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ उन मेटल्स को इंक्लूड किया गया था शुरुआत में जो कि नॉन रिएक्टिव थे, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, पैलेडियम, राइट। अब एक तीसरा मेथड और भी है कोलाइड्स बनाने का, वो है पेप्टाइजेशन मेथड, राइट। पेप्टाइजेशन पेप्टाइजेशन ईजी है अंडरस्टैंड करना, राइट। इसको समझने के लिए आपके सामने एक सिंपल सी मैं रिएक्शन लिखूंगा और वो रिएक्शन ये है जिसमें कि आप सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं और आपके पास एक वाइट प्रेसिपिटेट आता है सिल्वर क्लोराइड का। अब ये बात क्लियर कट है कि अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, इट मीन्स कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो अगर ये सॉल्युबल नहीं है, ये प्रेसिपिटेट हो गया है, तो इसी प्रेसिपिटेट को दोबारा से फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसी मीडियम में, वो कहलाता है पेप्टाइजेशन, राइट। तो किसी प्रेसिपिटेट को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन। लेकिन यहाँ पर डिसॉल्व नहीं बोलना है, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर हम कहेंगे कि हमने उसको कोलाइड बना लिया, राइट। तो इस तरह का जो सब्सटेंस होता है सिल्वर क्लोराइड जैसे, ये सब्सटेंस कोवेलेंट नेचर के हैं और इनके लिए हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इस केस में ऐड कर देते हैं। तो ये जो सब पार्टिकल्स हैं, बिकॉज ये लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, तो ये उन इलेक्ट्रोलाइट्स में से, और इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एनायंस कैटायन से बनते हैं, राइट, कैटायन एनायंस से बनता है। तो इनमें से कोई एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट में से कोई स्पेसिफिक आयन वो ये एड्सॉर्ब कर लेगा, राइट, और इस तरह से बाकी भी सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल्स उसको एड्सॉर्ब कर लेंगे, जिससे उन सभी में रिपल्शन बन जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस तरीके से वो आपस में कंबाइन नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो कंबाइन हो जाएंगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा और फिर वो सेटल डाउन हो जाएंगे जैसा कि प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोलाइट है जो कोलाइड्स में कन्वर्ट कर देता है प्रेसिपिटेट्स को, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, राइट।